कई माता जी हमारे पास आती हैं, गुरु जी हमारे पति देव हस्बैंड बहुत गुस्सेबाज है। अच्छा गुस्सेबाज है, इसका कारण है कि जब रसोई बनाती होंगी तो माता जी तुम भी गुस्सा करती होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसे उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। रसोई बनाते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई बनाते समय जिस विचार के साथ रसोई बनाओगे खाने वाले के भीतर वही विचार प्रकट हो जाएंगे। अब तुम भी गुस्सन में, बेलन लिया, 12 बजे तो आती है छटरी के परे, और थाली ली और ले जाकर के टेबल पर ले, खाने हो खाओ नहीं तो कर जाओ। अच्छा अब बताओ, जो वो रोटी पाएगा वो प्रेम के गीत गाएगा क्या? हाँ प्रेम के गीत थोड़ी गाएगा। अच्छा कई लोग ऐसे भी होते जिन्हें लड़ाई की बजाय चाहिए, कई लोग ऐसे भी होते। एक बार एक आदमी के जो भोजन बनाने वाला रसोईया था, उसने स्वाद फीका बनाया, बहुत नाराज हुआ, ऐसा बनाते हो, बनाना नहीं आता, सब बर्बाद कर दिया, ठीक ठाक नहीं बनाते हो। रसोईया ने कहा क्षमा करना, कल से ठीक बनाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना बजाय के लड़ते। अब दूसरे दिन रसोईया ने बढ़िया भोजन बनाया, सो फिर डांटने लगा, जब तुम इतना बढ़िया बना के जानते तो कल क्यों नहीं बनाया, हम बताओ। कुछ लोग ऐसे भी होते। लेकिन धन्य है नागपुर की मुन्नी बाई, धन्य नागपुर की मुन्नी बाई का एक बार दिमाग खराब अपने पति हस्बैंड से। अच्छा हस्बैंड से हमें याद आई, एक बार एक पढ़े लिखे आदमी का विवाह अनपढ़ गवार से हुआ, पत्नी उसकी अनपढ़ और वो पढ़ा लिखा, पार्टी में जाना था तो पति ने समझाया कि सुनो पार्टी में जाना है तो लोग पूछेंगे कि ये तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम 2 शब्द सीख लो ताकि लोगों को लगे कि तुम अनपढ़ नहीं हो पढ़ी लिखी हो। तो बोले तुमसे कोई पूछे तो तुम बस यही कहना कि ये हमारे हस्बैंड, मैं इनकी वाइफ। 3 दिन बेचारा पढ़ाता रहा पत्नी को, अब पत्नी थी अनपढ़ तो वो पढ़ती रही, ये मैं हमारे हस्बैंड मैं इनकी वाइफ, ये हमारे हस्बैंड मैं इनकी वाइफ। अब तो रोटी भी बनाए तो यही रटे, ये हमारे हस्बैंड मैं इनकी वाइफ। अब पार्टी में जब गए, पार्टी बड़ी सभ्य समाज की, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी, चमक धमक की पार्टी, बड़े 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 अमीर लोग शहर के आए, तो ये पति पत्नी भी दोनों बट में बढ़िया स्टाइल में, ये भी पहली बार पार्टी में गई, डरी हुई सहमी हुई, तो लोग देखें ये बार बार अपने कपड़े को संभाले, सैंडल ऊंची ऊंची पहने गई, लोग आए सब मिलने आए, तो एक जनी माता जी ने पूछा, सब लोगों की लाइन खड़ी थी, भीड़ खड़ी थी, ये कौन है तुम्हारे साथ में, तो वो जल्दी जल्दी में भीड़ के चक्कर में भूल गई। अब अगल बगल देख के वो खांस के बोली, ये हमारे हेडपंप में इनकी पाई हुई है। अब बेचारी भूल गई, उसको सीधा सीधा याद रहा ये हमारे हेडपंप है। बोलो सीताराम, जोर से बोला है? तो अगर क्रोध में तुम भोजन बनाओगे तो प्रेम के गीत थोड़ी गाएंगे। हैं? भोजन बनाते समय जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं उनके लिए बोलो श्री सीताराम, उनके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है, जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं अगर तुम्हारे पति नाराज होते हैं बात बात पर, एक काम करना, सूत्र है आज का एक बहुत बढ़िया उपाय है, आज से ही घर जाना, रसोई में जाना, नहा धोकर प्रवेश करना, गंगा जल का छींटा मारना, अन्नपूर्णा माता को स्थान दे देना, पंचमुखी हनुमान जी को बैठवा देना किसी बालक या ब्राह्मण से, और तुम रसोई बनाना, भगवान का कीर्तन गाते हुए रसोई बनाना, सीताराम 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 सीताराम, रोटी बनाई सीताराम, तवे पे रखी सीताराम, चूल्हे में लगाई सीताराम, बर्तन में रखी सीताराम, सब्जी काटी सीताराम 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 सीताराम, और बनाई सीताराम सीताराम सीताराम, और जब बन गया थाली में परसी सीताराम, भगवान को भोग लगाया सीताराम, और वही थाली का प्रसाद पर सबको बांट दीजिए, बुद्धि भी ठीक रहेगी, घर भी ठीक रहेगा, और घर तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा है? बोलो, मंदिर बन जाएगा। तो माता पार्वती
प्रार्थना करती है, महाराज मैं कुछ पूछना चाहती हूं। देखो ऐसे गृहस्थ में सत्संग होता है, जिसकी पत्नी सभ्य हो समझदार हो ना उसके घर में सत्संग होता है, और जिसकी पति और पत्नी दोनों ही विचित्र हो उनके घर में सत्संग नहीं युद्ध होता है। अब आप विचार करो आपको अपने घर में युद्ध करना है या सत्संग करना है। सत्संग करना है ना तो रामायण की 5 चौपाइयां अपने बेटी से अपने बेटा से रोज पढ़वाया करो और रामायण के आधार पर चला करो। रामचरितमानस ही तुम्हारे घर में सत्संग की धारा ला सकती है। पूज्य श्री जय जय सरकार अद्भुत गीत लिखा है। हाँ भैया, अरे रामचरितमानस की रचना तुलसी कृत रामायण है, करती है हम सबका प्यारी पल भर में कल्याण है। हाँ, करती है हम सबका प्यारी पल भर में कल्याण। रामचरितमानस की रचना हो, रामचरितमानस की रचना तुलसी कृत रामायण है, करती है हम सबका प्यारे पल भर में कल्याण। और हिंदुओं को तो अपने घर में 5 चौपाइयां रोज रामायण की पढ़नी ही चाहिए।